हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो कंपनी के ऊपर। यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं, जिसमें हमारी जो पहली कंपनी है दोस्तों, वो है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें, तो आज यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि इनके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स यहाँ पे आने थे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे आज रिजल्ट आने वाले थे, उसके पहले ही मॉर्निंग के वक्त ही इस कंपनी में लोअर सर्किट हम लोगों को लगते हुए देखने को मिल जा रहा है। सो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों, मार्केट को पहले ही यहाँ पे अंदाजा आ जाता है कि इनके रिजल्ट्स यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। तो जिस हिसाब से यहाँ पे हिंट मिल रहे हैं, उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को यही लग रहा है कि शायद से इनके जो रिजल्ट्स होंगे क्वार्टर थ्री के, वो यहाँ पे खराब आ सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आया कैसा है वो अभी हम जस्ट यहाँ पे चलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मुझे आपको समझाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप लोग पैनिक होकर इस कंपनी को यहाँ पे बेच ना दो। ठीक है, देन यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखेंगे दोस्तों, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि मॉर्निंग के वक्त इसमें डायरेक्ट लोअर सर्किट नहीं लगा, इसमें बीच में ये कंपनी थोड़ी सी यहाँ पे ट्रेड होते हुए भी हम लोगों को देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाती है। देन वहीं पे अगर हम लोग डिलीवरीज की बातें करें, तो आप देखिए कि यहां पे 3,68,00,000 शेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं, जिसमें 2,11,00,000 से ज़्यादा शेयर्स यहाँ पे उठाए गए हैं। ओवरऑल 57.57% की डिलीवरीज यहाँ पे उठाई गई है, जो कि एक अच्छी बात है। जो डिलीवरी उठी है, उसकी भी संख्या हम लोगों को ठीक ठाक यहाँ पे, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं, लेकिन ठीक ठाक देखने को मिल जा रहा है। सो अभी चलते हैं दोस्तों डायरेक्टली हम अपने कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर, एंड वहीं पर मालूम चलेगा कि इस कंपनी को आगे क्या करना है। सो अभी दोस्तों यहाँ पे हम लोग रिजल्ट्स के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी फिगर्स होंगे वो रुपीस इन मिलियंस में रहने वाले हैं। यहाँ पे इस बार का डाटा एंड यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का डाटा एंड यहाँ पे लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर का डाटा हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर टोटल इनकम की बातें करें, ठीक है, तो वो देखिए 19,611 है, लास्ट क्वार्टर 16,726 है, लास्ट ईयर 12,950 से। सो यहाँ पे सबसे पहली सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि इस कंपनी जो टोटल इनकम है दोस्तों, वो क्वार्टरली बेसिस एंड ईयरली बेसिस दोनों ही बेसिस पे हम लोगों को यहां पे शानदार जंप देखने को मिल जा रही है। सो बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छा हिंट यहां पे हम लोगों को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव वे में यहां पे चीजें को हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देन यहां पे एक्सपेंसेस की बातें करें, तो आप देख सकते हैं कि इस बार का जो एक्सपेंसेस है दोस्तों, वो 16,546 है, लास्ट क्वार्टर 13,663 है, लास्ट ईयर की बातें करें तो 11,450 यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब इनकम बढ़ रहा है क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पे, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस भी यहाँ पे हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल जा रहा है। एंड मेजर जो एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ रहा है, देखिए वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स के ऊपर यहाँ पे हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़े हैं इस बार के, सो वो भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों को एक पॉजिटिव साइन ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स यहाँ पे देखें, तो देखिए इस बार का जो प्रॉफिट है दोस्तों, वो 3,064 है। ठीक है, देन यहाँ पे लास्ट क्वार्टर की बातें करें तो 3,063 है, एंड लास्ट ईयर की बातें करें तो 1,469 हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट में 1 मिलियंस का यहाँ पे हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। देन ईयरली बेसिस पे हमारे कंपनी का जो प्रॉफिट है दोस्तों, वो 2 गुना से भी ज़्यादा का जंप इसमें हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे कंपनी क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों ही बेसिस पे हम लोगों को जंप करते हुए देखने को मिल रही है। अभी आते हैं दोस्तों यहाँ पे सभी तरह के टैक्स एंड सभी तरह के एक्सेप्शनल आइटम हटाने के बाद अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट को देखें, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो 2,091 है। ठीक है, एंड लास्ट क्वार्टर की बातें करें
तो 2288 है, एंड लास्ट ईयर की बातें करें तो 1597 है। सो दोस्तों अभी आपने देखा कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस था, प्रॉफिट था बिफोर टैक्स, ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा कि क्वार्टरली बेसिस पे भी हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों को जो प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टरली बेसिस पे एंड ईयरली बेसिस पे, जैसा कि हम लोगों को वहाँ पे जंप देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर भी हम लोगों को जंप ही देखने को मिल जा रही है। सो ऐसा यहाँ पे क्या हुआ कि क्वार्टरली बेसिस पे हमारी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स उसमें गिरावट हो गई, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम की एंट्री दिखाई गई है, ठीक है। देखिए रिजल्ट बहुत लोग बता देंगे ये कंपेयर करके वो कंपेयर करके, लेकिन रिजल्ट को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सो एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 252 मिलियंस का एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे किया गया है, जो कि लास्ट टाइम आप देख सकते हैं लास्ट ईयर भी यहाँ पे किया गया था, ठीक है। इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार यहाँ पे हम लोगों को उसका उसमें फ़र्क देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। सो अभी यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें तो इस 252 की वजह से क्वार्टरली बेसिस पे जो हमारा प्रॉफिट है वो गिरते हुए देखने को मिल जा रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अगर हम लोग बातें करें। सो अभी दोस्तों यहाँ पे मालूम आपको चल गया होगा कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे डाउन क्यों हुआ, ठीक है। सो बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं मालूम होंगी एंड पैनिक होके वो लोग यहाँ पे मार्केट मतलब इस शेयर्स को यहाँ पे सेल जरूर करेंगे, तो आप लोग ऐसे मूर्खता वाली बात यहाँ पे काम मत कीजिएगा, ठीक है। रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं, ठीक है, क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों ही बेसिस पे यहाँ पे अच्छे हैं अगर इस एक्सेप्शन आइटम को यहाँ पे हटा दिया जाए तो। देन यहाँ पे अगर हम लोग ईपीएस की बातें करें तो ईपीएस आप देख सकते हैं 0.42 लास्ट क्वार्टर 0.46 लास्ट ईयर 0.32, तो सेम यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे जंप है एंड क्वार्टरली बेसिस पे हम लोगों को थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट की तरह, ठीक है। सो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे इनके रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं, तो आराम से आप लोग इस कंपनी को आगे के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। तो दोस्तों अभी देखना यहाँ पे ये दिलचस्प होगा कि इस कंपनी में कल के दिन यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलती है। सो अगर इसमें गिरावट होती है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी यही यहाँ पे रहने वाला है इसको बाय करने से रिलेटेड। देन यहाँ पे अगर इस कंपनी के लास्ट एक साल के परफॉर्मेंस की भी अगर यहाँ पर हम लोग बातें करें तो आप देख सकते हैं कि टॉप लेवल पर ही हम लोगों को देखने को मिल रही है। रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं 300% से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। 5 साल के रिटर्न्स की अगर हम लोग बातें करें तो दोस्तों ये 900% से ज्यादा का रिटर्न्स यहां पे दे रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है, टॉप लेवल पे कंपनी यहां पे बैठी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैंने क्वार्टर एंड क्वार्टर वाली चीजें आप लोगों को समझाई हुई है, शायद से ये रीजन पकड़ के मार्केट यहां पे गिरावट भी दिखा सकती है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में हम लोगों को इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ पे कल के दिन लोअर सर्किट लगेगा तो सेम इसी रीजंस के कारण यहाँ पे लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे मैंने जिस हिसाब से आप लोगों को रिजल्ट्स को बताया हुआ है उसके बेसिस पे आप कहेंगे कि रिजल्ट्स इनका अच्छा आया हुआ है। एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पे इनके रिजल्ट्स में ये थी कि जो रेवेन्यू थी, ठीक है, उसमें हम लोगों को क्वार्टरली बेसिस एंड ईयरली बेसिस दोनों ही बेसिस में हम लोगों को रेवेन्यू में एक तगड़ा जंप यहाँ पे देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी। तो आराम से इस कंपनी के साथ यहाँ पे आप लोग बने रह सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। देन दोस्तों अभी आ गए हैं यहाँ पे हम लोग अपने सेकंड कंपनी के ऊपर, जिसमें यहाँ पे बोनस से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिली है। इसके अलावा भी और भी न्यूज़ है, ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड से रिलेटेड भी न्यूज़ है एंड यहाँ पे फंड रेज से रिलेटेड भी यहाँ पे हम लोगों को न्यूज़ देखने को मिल रही है इस कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, उस पर यहाँ पे हम लोग जरूर आएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बोनस रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई, इसमें आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में ओवरऑल 9% की रैली मार्केट में गिरावट के बावजूद भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड अगर यहाँ पे टॉप लेवल पे बातें करें तो दोस्तों इस कंपनी में करीब 13-14% की रैली हम लोगों को देखने को मिली है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि मार्केट में जो गिरावट थी उसकी वजह से थोड़ा बहुत इसमें भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। एंड मैं एक चीज आपको ये भी बता दूं कि ये जो न्यूज हम लोगों को बोनस रिलेटेड इसमें देखने को मिल रही है उसके बेसिस पे मैं कभी भी किसी भी कंपनी को यहाँ पे बाय करना पसंद नहीं करता हूँ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें, ठीक है,
है। हाँ, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक मौका मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि 20% के प्रॉफिट के हिसाब से मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है। सो इस कंपनी में भी वो मौका है, एंड वो मौका क्या है अभी हम उस पर जरूर बात करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जो न्यूज़ है उसके ऊपर आ जाए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग NSC के वेबसाइट पे आ गए हैं, एंड यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए 31 जनवरी को सबसे पहले ये कंपनी रिजल्ट्स यहाँ पे पेश करने वाली है। देन उसी के साथ साथ सेम डे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी डिविडेंड, बोनस एंड फंड रेजिंग से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे है, उसके अलावा अदर बिजनेस मैटर्स से रिलेटेड भी यहाँ पे कंपनी की बोर्ड की मीटिंग यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिलने वाली है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर यहाँ पे ये कंपनी 31 जनवरी को यहाँ पे बोनस दे देती है दोस्तों, इन कंडीशन अगर इसने बोनस दे दिया, आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूंगा, अगर यहाँ पे बोनस दे दिया तो रेशियो आप लोग पूछेंगे क्या रहेगा, तो रेशियो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, एंड यहाँ पे हम लोग 1:1 का पकड़ के यहाँ पे चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें कॉर्पोरेट एक्शन में दोस्तों, तो आप देखिए 21 में इस कंपनी ने पहले ही यहाँ पे बोनस 1:1 का यहाँ पे दिया था, एंड डी मर्जर भी हम लोगों को इसमें 2020 में देखने को मिली, उसके बाद बोनस, एंड अभी अगर इसने बोनस की अनाउंसमेंट कर दी तो लगातार 2 साल ये कंपनी बोनस देने वाली हम लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें, जैसा कि मैंने 20% की बातें की, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कंपनी काफी छोटी हम लोगों को देखने को मिलती है, एक बार मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। आप देखिए करीब 6,000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। सो 20% की रैली इसमें आराम से आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों यहाँ पे रिस्क भी रहेगा, ठीक है। मार्केट आज प्रेशर में था, कल भी अगर प्रेशर में रहा तो किसको मालूम दोस्तों, इसमें गिरावट भी हो सकती है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि जो एक्शन इस कंपनी में होने हैं वो आने वाले कुछ दिनों के बाद होने वाले हैं, तो अगर यहाँ पे कंपनी उसको अप्रूवल दे देती है, बोनस को यहाँ पे अप्रूवल दे देगी, बोनस यहाँ पे लेकर के आएगी, सो मेरे हिसाब से इस कंपनी में एक जंप हम लोगों को देखने को मिल सकती है। सो यहां पे अगर आप चाहें रिस्क लेना एंड वहां पे 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी को कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चाहें तो इस कंपनी को यहां पे बाय कर सकते हैं, एंड जैसे ही 20% का टारगेट पूरा हो जाए वैसे ही आप लोग इसको सेल करके निकल जाना, ठीक है। देखिए आप कंपनी का नाम आपने पहले भी देखा, अभी भी यहां पे आप देख सकते हैं कि इन्फीबीम, ठीक है, एवेन्यूज, ये कंपनी का नाम हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। सो दोनों ही कंपनियों से रिलेटेड जो अपडेट थे, जो न्यूज़ थे, वो मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।